नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, एक एक करके मैं हर अल्फाबेट से भविष्य कथन कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया, शास्त्री जी नाम से भी भविष्य कथन करिए, तो मैं एक एक करके सब अल्फाबेट से भविष्य कथन कर रहा हूं। आज हम उन जातक के बारे में बात करेंगे जिनका आई नाम से स्टार्ट होता है या फिर ई हिंदी में। इस नाम से ई नाम के जो जातक होंगे, जो लोग होंगे, आई नाम के जो लोग होंगे, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो जिनका नाम आई से स्टार्ट होता है, या वो किसी दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं जिनका नाम आई से है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनके पास अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो नाम से ही स्वभाव और व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं, पता करना चाहते हैं, तो इस मेरी वीडियो के माध्यम से ये सब चीजें पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्वभाव आई नाम के लोगों का। जो स्वभाव होता है, ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, भीड़ का केंद्र होते हैं। इसका मतलब अगर कोई ग्रुप है, वो ग्रुप का पार्ट है और वो उस ग्रुप में ना हो तो उनकी कमी फील होती है, क्योंकि ये एक एक, एक इनका सेंटर अट्रैक्शन रहता है इनका, और एक केंद्र, भीड़ का केंद्र होते हैं। अगर ये लोग अगर ना रहे तो इनकी हमेशा कमी फील होती रहती है। तो इनका एक एक बहुत ही एक अहम रोल होता है किसी भी ग्रुप के अंदर, और सोच समझ के ये कार्य करते हैं बहुत ही ध्यान लगा के, और जब तक निष्कर्ष ना निकाल ले उससे पहले फैसला नहीं लेते। अपने आप को स्टाइलिश दिखाना बहुत ज्यादा चाहते हैं कि मैं स्टाइलिश बनूं। वो इसलिए क्योंकि आई नाम जो है वो वृषभ राशि के अंदर आता है, कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर। तो वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं, तो शुक्रदेव बनाते हैं आदमी को बहुत स्टाइलिश, बहुत ही भौतिक सुख की प्राप्ति करने वाला। तो ऐसे लोग बहुत ही स्टाइलिश रह के दूसरे को इम्प्रेस करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। आलसी लोग इन्हें पसंद नहीं है, और काम को ये कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। कोशिश करेंगे चाहे टाइम हो जाए फटाफट उसको खत्म कर लें, पर बीच में अपना काम ये लोग कभी छोड़ते नहीं है। आलसी लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर आपका कोई मित्र आई है तो आप समझ लीजिए, अगर आप आलसी है तो आपकी उससे नहीं पटने वाली। और इसी वजह से, इसी खासियत से फैमिली भी इनको बहुत पसंद करती है, और बहुत ही समझदार समझती है, गुणकारी समझती है, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, तिर्क बुद्धि होती है। और ऐसे लोगों से अगर आप एडवाइस लोगे तो आपको एक अच्छा एक निर्णय मिल सकता है। कुछ इनके नकारात्मक पक्ष है, कमजोरी है, वो ये होती है कि मानसिक रूप से ये हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि सोचते बहुत है। दूसरा, अपनी बात से कभी कभी ये लोग पलट भी जाते हैं, सही गलत का निर्णय ये अपने हित में लेते हैं। अगर सपोज करो, अगर कहीं सही गलत का अगर निर्णय हुआ तो ये पहले ये देखेंगे कि उससे मेरा कुछ, मेरा क्या मतलब है। अगर जो भी उनके हित में होगा सही या गलत, तब वो उसी के हिसाब से डिसीजन लेंगे। इनकी विशेषताएं ये होती हैं कि ये अपने आप को हमेशा आदर्शवादी बनाना चाहते हैं, एक चाहते हैं कि मैं एक आदर्शवादी आदमी बनूं, समाज मुझे एक आदर्शवादी समझे। दूसरा क्या है, अगर पार्टनर की बात करें, रिश्ते की बात करें, प्यार की बात करें, तो ये चीजें देखी गई हैं, ये इनको हमेशा एक कमी रहती है इनकी जिंदगी में, फील होती है कि जो रिश्ते, या अगर हम प्यार की बात करें तो जो पार्टनर उन्हें चाहिए वो उनके हिसाब से नहीं मिलता। और इनके दिमाग में हमेशा एक ये बात खटकती रहती है कि मुझे मेरी सोच के हिसाब से, मेरी पसंद के हिसाब से मेरे को मेरा पार्टनर रिंग में मिला। ये हमने देखा गया है जो 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 लोग आई नाम के लोग होते हैं। तो दोस्तों, मैंने मोटा मोटा जो आई नाम के लोगों की खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं, ये मैंने आज आपको बताई, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर देना, और दूसरा आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, ताकि जो लोग आई नाम वाले हों उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें, ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके और वो अपने स्वभाव जान सकें, बल्कि दूसरों का भी स्वभाव के बारे में पता कर लें। क्योंकि बहुत इस दुनिया के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, और उनको लालसा होती है अपने स्वभाव के बारे में जानना, उनका व्यक्तित्व कैसा है, या फिर किसी दूसरे के बारे में जानना। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हम अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखेंगे। धन्यवाद।